यूपी के सीतापुर में बुजुर्ग की पेंशन को लेकर बहू और बेटी ने उसे बंधक बना दिया। बुजुर्ग को उसकी बेटी और बहू ने एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 2 महीने तक घर में बंधक करके रखा। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में घर का ताला तोड़कर बुजुर्ग को आजाद कराया। पुलिस ने इलाज के लिए बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह सनसनीखेज मामला शहर कोतवाली इलाके के ग्वाल मंडी का है। बताते चले कि मिश्रित कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले स्वराज प्रकाश अवस्थी सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। उन्हें 30,000 रुपए पेंशन मिलती थी। वह शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ग्वाल मंडी में रहते थे। उनके 2 पुत्र विनोद और प्रदीप हैं। बड़े बेटे प्रदीप की पहले ही मौत हो चुकी। मिश्रित में रहने वाले बेटे विनोद ने पुलिस को बताया कि उनके पिता स्वराज प्रदीप के पत्नी के साथ रहते हैं। कई बार जब वह अपने पिता से मिलने की कोशिश करते थे तो उनके भाई की पत्नी उन्हें मिलने नहीं देती थी। बुजुर्ग को बंधक बनाने की जानकारी मिलते ही शहर कोतवाली आलोक मणि त्रिपाठी प्रशासनिक अधिकारी के साथ जब मौके पर पहुंचे तो महिला ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। इस पर इंस्पेक्टर ने ताला तोड़वाया। पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो वृद्ध काफी बुरी हालात में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पुलिसकर्मी ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बुजुर्ग स्वराज की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।